अध्यक्ष महोदय, आपके इस सर्वोच्च पद चुने जाने पर हम अपने दल की तरफ से आपका अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई भी देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस महासदन की परंपराओं को निर्वहन करेंगे, लेकिन हमें कोई शिकायत नहीं है कि आपके अभिनंदन के लिए भी पर्ची भेजना पड़े। पहले ही दिन परंपराएं टूटने लगी। इसी तरह से अगर हम लोग पीछे कहीं बैठ जाएंगे तो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। अगर हम पीछे बैठ गए हैं तो फिर जब चाहोगे तब बुलाओगे। इसलिए पहले दिन से ही इस सदन की परंपराओं से जो है गरिमा उसको रखने की कोशिश करेंगे। आपका बायोडेटा हमें पूरा नहीं मालूम, ये सही है कि हम अनुभव बताया गया है, और मुझे विश्वास है कि आप इस पद पर रह करके अनुभव और हासिल कर लेंगे, इतना ही हम कह सकते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, कुछ शिकायतें हैं। अगर पीछे खड़े होकर के कोई शिकायत करता है कि इस सर्वोच्च पद पर जिसमें लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं को सबसे ज्यादा आदर्श प्रस्तुत करें, और वो आज देश के बहुत इस कुर्सी पर बैठे हुए लोग खुल्लम खुल्ला लोकतंत्र की मजाक उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है, और मुश्किल ये हो गई है। क्या हो गया तो ऐसा मैं समझो, आप वो जमाना निकल गया जो आप बहुत हंगामा करते थे। यहाँ कमजोर नहीं, हम हंगामा करेंगे। अगर ये हंगामा ही है तो इसलिए, हाँ यही काम है, इसलिए आ गए यहाँ, इसलिए तो आ गए थे। इसलिए मुश्किल ये है साहब, अब तक महोदय कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चित्त है तो उनकी पट्ट है तो उनकी। हाँ सच, जो भी वो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं करते हैं, वो ही सही है। लेकिन हम फिर भी इस सर्वोच्च पद पर पूरा प्रयास था कि सर्वसम्मति से चुनाव हो। मुझे नहीं पता कितना सच कितना गलत, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से ये सच्चाई है कि वायदा किसी का किया और कहीं है निशाना, कहीं है निगाहें, कहीं है निशाना, ये हम देखते ही रह गए। हम तो यही सोचते रहे, हमारी निगाह कहीं थी और जाके माननीय प्रधानमंत्री ने निशाना कहीं मार दिया। हम फिर भी आपको विश्वास दिलाते हैं, अपने दल की तरफ से आपका पूरा सहयोग करेंगे, और जो आप परंपराएं, महान परंपराएं डालेंगे ऐसी उम्मीद है। हमने और आपने साथ साथ तो काम किया, और मुझे विश्वास है कुछ ही तरह से विश्वास हमें विश्वास में लेते रहेंगे और विश्वास हम देते रहेंगे। अभी कोई समय नहीं निकल गया, इसलिए हम जिस सिद्धांत के लिए इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज देश के सामने जहां तकलीफ है, भूख है, प्यास है, उसी के साथ साथ देश के सामने बहुत बड़े खतरे हैं। उन खतरों में आप इस सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। हमें विश्वास है कि जिन खतरों को लेकर के हम सब एक हुए थे, उसी तरह पूरे सदन को एक करने की आप कोशिश करेंगे। इस देश की बहुत बड़ी सेवा होगी, लोकतंत्र की सेवा तभी जब देश बचे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस सर्वोच्च पद पर बैठ करके जो आपको सौभाग्य प्राप्त हो गया है उसे हम खुश हैं, नाराज नहीं। जो प्रक्रिया हुई है उस प्रक्रिया से जरूर हमको थोड़ा सा तकलीफ है, वरना आपको तो हम पहले स्वागत कर देते, आपको तो पहले मान लेते, पहले ही मान लेते, हम तो पहले ही मान लेते हैं। अरे आपने मान लिया ठीक है, अरे मान लिया तो ठीक है, बायोडाटा नहीं जाना नहीं, इसलिए हम सच बोलते हैं। हवाई जहाज भी हुआ, हम तो सच बोलना जानते हैं। अब
अध्यक्ष महोदय, ये तो सत्ता में है इसलिए हमेशा विपक्ष का ध्यान रखिए, और विपक्ष कहे कि आप निष्पक्ष हैं तो आप जिंदगी भर निष्पक्ष रहेंगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप विपक्ष के अधिकारों का हनन न होने दें। हो सकता है कि विपक्ष विपक्ष जल्दी बदल जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस देश की समस्याओं को यहाँ पर उजागर करने के लिए हमारे बानी पीछे बैठे सदस्यों का आप मौका देंगे, अवसर देंगे, और जो सामने देश के खतरे हैं उन खतरों को देखते हुए इस देश की समस्याओं के बारे में यहाँ चर्चा हो, उसमें हम जैसे तमाम लोगों को विशेष मौका देने की कृपा करेंगे। हम फिर आपका अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई देते हैं और आपको आश्वासन देते हैं कि हम अपने दल की तरफ से पूरा आपको सहयोग करेंगे सदन चलाने। श्री लालू प्रसाद यादव।